अब खबर हरियाणा के कैंथल से है। कैंथल में दुकानदार से फिरौती मांगने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसमें फिरौती मांगने वाले आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 16 फरवरी को कलायत में एक कपड़ा दुकानदार पर 15 लाख रुपए की फिरौती के लिए हमला करते हुए गोली दागी गई थी। इसमें दुकानदार बाल बाल बच गया था। इस मामले में गैंगस्टर बिन्नी के पिता कयायत निवासी राम निवास को CIA 1 पुलिस के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला कि उसके पुत्र बिन्नी ने जेल में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया दिया था। उसमें अपना मोबाइल बिन्नी के दोस्त संजय को दे दिया था। इस मामले में पुलिस ने बताया कि बिन्नी के पिता ने जेल में रजिस्टर्ड अपने फोन नंबर को आपराधिक कार्यों को अंजाम देने के लिए अपने बेटे के साथियों को दे दिया था। उसके बाद जेल में बैठे बिन्नी के कहने पर गिरोह के अन्य सदस्य आपराधिक गतिविधियां करते थे। आरोपियों ने कलायत निवासी एक कपड़ा व्यापारी से 15 लाख रुपए की रंगदारी की मांग करते हुए फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, दुकानदार फरार करके हमला भी करा दिया था। गिरोह के शेष 13 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस का दावा है कि 14वें आरोपी को 8 जुलाई को गिरफ्तार करके गिरोह का पूर्ण रूप से सफाया किया गया है।